सुरक्षा के लिए गए थे, क्या अंजाम हुआ? उनको मार दिया गया, और मारने के बाद पकड़ने के बजाय पुलिस उनको छोड़ देती है किसके कहने पे? देखिए, विपक्ष का काम तो विरोध करना है, विपक्ष का काम तो बातें करना है, आलतू फालतू की बातें करने की बात है। विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने का प्रकरण रहा हो, या हाल ही में सलमान खान को धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई को करोड़ों रुपए का इनाम देने, या जो उसका एनकाउंटर करेंगे पुलिस कर्मियों को इनाम देने की घोषणा करनी सेना ने की हो, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने की हो, ऐसे मामलों को लेकर समाज में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह की जय घोषणा करनी सेना कर रही है, सम्मान कर रही है, उसको समाज किस निगाह से, किस नजरिए से देख रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता साहब सिंह कुंडीर जी ने उसके साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। करनी सेना जिस तरह की गतिविधियाँ अधिवक्ता थप्पड़ मारता है, अवधेश नाम का अधिवक्ता थप्पड़ मारता है तो सम्मान दिया जाता है, या एनकाउंटर को लेकर जो है करोड़ों रुपये देने के बाद पुलिसकर्मियों को कही जा रही है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। साहब सिंह पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडीयू में। जी धन्यवाद सर। करनी सेना के जिस तरह के जो है अभी गतिविधियाँ, यह कहा जाए कि जो है उसने विधायक योगेश वर्मा जी को थप्पड़ मारा जा रहा है अधिवक्ता अवधेश जी के हाथ से, तो उनको सम्मान देने का कार्य किया, मन से सम्मान देने का कार्य किया, वजह रही है कि जो क्षेत्रीय समाज से वास्ता रखते हैं। बात यहीं से शुरुआत करते हैं सर, कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मेरा इस बारे में ऐसा मानना है, उनका आपसी विवाद किस बात पे था मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मारपीट या इस तरह की अभद्रता के पक्ष में कभी भी नहीं हूँ। किसी भी चीज़ का समाधान मारपीट से नहीं हो सकता है। अगर कोई विषय था तो बैठ के बातचीत हो सकती थी, कानूनी प्रक्रिया, आप संवैधानिक पद पे हैं सभी लोग, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उसका समाधान हो सकता था। मैं किसी मारपीट करने वाले व्यक्ति के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। सर, सामाजिक संगठन बनते हैं समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज को जो है मजबूती देने के लिए, समाज को जो है स्थापित रखने के लिए, समाज से कुरूतियाँ दूर करने के लिए, ना केवल उस थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को समाज से मंच पर बैठा के सम्मानित करने के लिए, वो भी तब जब वो जनप्रतिनिधि को जो है स्वयं थप्पड़ मारने का कार्य करता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने जैसे आपको सामाजिक संगठनों के क्या यही जी मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैसे आपने बताया, मुझे इसका पूरी जानकारी नहीं है कि सम्मानित किया, किसने किया और मंच पे किया, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं। एक सामान्य अपना व्यू मेरा ऐसा है कि हम लोगों को खासतौर पे जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ, उनको भी संयम रखना चाहिए। और जिस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं समाज में कि कोई भी लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहा है, भाई यदि आप इस प्रकरण को बहुत गहराई से देखेंगे तो कुल मिला के यही बात निकल के आएगी। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकप्रियता हासिल करने का ही तो विषय है, और क्या है? उसने उसको मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया, तो ये सब चीज़ें समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं तो इसमें इसको कंडम करता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, एक जाहिलत भरा पैगाम देने का कार्य अवधेश ने किया, कोई आम आदमी होता, जाहिल होता, कोई जाहिल दूर समाज से परे का व्यक्ति होता, वो इस तरह की घटना को अंजाम देता था, माना जा सकता था। लेकिन जब आपके साथ अधिवक्ता नाम जुड़ जाता है, सम्मानित पद जुड़ जाता है, जब आप यह कानून की तमाम जानकारी रखते हैं, विधि की जानकारी रखते हैं, दंडात्मक प्रणाली की जानकारी रखते हैं, और सम्मानित व्यक्ति को जाके जैसे सरेआम सरे चौराहे पर जाके थप्पड़ मारने का कार्य करते हैं, जबकि वो सिक्योरिटी के साथ चल रहा होता है, तो क्या ये शोभा देता है किसी? मैं बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति की जो अधिव्यक्ति है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये शोभा देता है जनप्रतिनिधि सीधा सीधा हाथ उठा देना? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, नहीं वजह चाहे कुछ भी रही हो, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, चाहे सम्मानित व्यक्ति हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी हो, इस देश में कानून का राज। लेकिन सर, प्रश्नवाचक जब लग जाता है, जब जो है वो आप अधिव्यक्ता लिखते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, देश में कानून का राज है, सरकार है, यहाँ संवैधानिक दृष्टि से, संविधान से हमारा देश चलता है। आप संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना विरोध दर्ज कर सकते थे, आप FIR दर्ज कर सकते थे, कोई खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। अगर ऐसे ही पढ़े लिखे शिक्षित लोग आपस में मारपीट करने लगेंगे, फिर कानून का क्या होगा, जजों का क्या होगा, कोर्ट कचहरी किस लिए बनी है? तो मैं इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूँ, यह गलत है। सर, कहीं ना कहीं दिमाग में रही है कि मैं क्षेत्रीय समाज से जो संबंध रखता हूँ, मेरे रिश्तेदार आ जाए बाबा के ऑफिस में या बाबा के आवास पे काम करते हैं, बाबा की सरकार है, अपना तो कुछ ना बिगड़ेगा,
जो मर्जी कह ले, हाथ साफ कह ले, क्या दिमाग में इस तरह की गंदगी रही होगी क्या? देखिए मैं तो पहले तो आपको भी ये कहना चाहूँगा कि जिनकी आप बात कर रहे हैं बाबा, वो पूरे देश के सम्मानित नेता हैं। जाति पाति में एक ऐसे सम्मानित नेता को और जिनका सम्मान हर समाज में है, उनको लेके आना उचित मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। और रही बात कोई किसी का कहीं बैठा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई पक्षपात होता होगा। जो गलत करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप अभी 4-5 दिन या 10 दिन पहले ही तो एनकाउंटर एक हुआ था, मैं नाम बोल रहा हूँ, उससे पहले कितने एनकाउंटर हुए हैं, कहीं कोई जाति धर्म दे के एनकाउंटर थोड़े ना होते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जाति है कि जाति नहीं, एनकाउंटर पे भी लिस्ट, एनकाउंटर लिस्ट पे भी जाए, जातिगत स्थिति को देखते जाए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये तो आपका विपक्ष खुलेआम बोल रहा है। देखिए विपक्ष का काम तो विरोध करना है, विपक्ष का काम तो बातें करना है, आलतू फालतू की बातें करने की बात है। कहाँ जाति देख के धर्म देख के कोई एनकाउंटर किसी का नहीं होता है। अपराधी है, अपराधी कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, अपराधी के साथ अपराधी जैसा सलूक ही होना चाहिए, तभी सिस्टम और तंत्र चल पाएगा। नहीं तो यहाँ तो अराजकता फैल जाएगी, जैसे पहले समाजवादी के समय पर क्या होता था, आपको ध्यान है ये आपका मुजफ्फरनगर वाला कांड, आपको तो ध्यान होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। तब क्या था, 2013 की बात, तब क्या था, दंगे की बात आपका, मैं वही कह रहा हूँ, तब क्या था, एक बहन का भाई सिर्फ इसलिए चला गया कि उसकी बहन के साथ छेड़खानी हो रही थी। दो जने गए थे, सचिन और गौरव, इसीलिए तो गए थे ना। अपनी बहन के लिए कौन आदमी ऐसा व्यक्ति होगा कि जो बहन को कोई प्रताड़ित करता हो, कोई छेड़खानी करता हो, और वो व्यक्ति अपनी बहन की रक्षा के लिए नहीं जाएगा। तो रक्षा के लिए गए थे, क्या अंजाम हुआ, उनको मार दिया गया, और मारने के बाद पकड़ने के बजाय पुलिस उनको छोड़ देती है, किसके कहने पे, आपको ध्यान है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री रात को 12:30 फोन आता है। किस पार्टी के नेता थे वो? नहीं तो सरकार में नोल थे वो, तो निश्चित रूप से, मैं वही कह रहा हूँ, संवैधानिक पद पे थे सर उस समय। ऐसे 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 लोगों को बातें करने का अधिकार किसने दे दिया है, जिसकी सरकार में खुद इस तरह से गुंडागर्दी तमाम तरह की चीजें हुई हो, वो दूसरों को बातें बताएगा। हमारे यहाँ तो मुझे, मैं तो बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जिस तरह की बातें लोग कह देते हैं, क्षत्रिय हो, किसी अन्य जाति का हो, कानून कानून है, कानून इस देश में एक समान है, सबके लिए एक समान कानून काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पे माननीय आदित्य योगीनाथ जी की सरकार में तो कानून का राजा है भाई साहब, कानून का राजा, लेकिन नीति ठोको वाली है, बुलडोजर वाली है, जबकि जब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो न्याय प्रणाली भारत की मानी जाती है। देखिए एनकाउंटर होना सर क्या संवैधानिक प्रक्रिया में आता है? नहीं देखिए देखिए एनकाउंटर से आपका तात्पर्य यदि ये है कि किसी को ऐसे ही मेरा तात्पर्य कुछ नहीं है, तो एनकाउंटर का मतलब समझिए, विपक्ष एनकाउंटर का मतलब समझिए, एनकाउंटर एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है मुठभेड़। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के ऊपर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, आत्मरक्षा में तो कोई भी, और अगर पुलिस कुछ भी नहीं करेगी तो तब आप जैसे सब लोग, तमाम मीडिया बंधु यही बोलेंगे कैसी पुलिस है, पुलिस पिट के आ गई, पुलिस चित के आ गई, पुलिस के ऊपर हमला हो गया, कैसी पुलिस है, कैसी सरकार है, आप ही लोग ये सवाल करेंगे। अब तो विपक्ष बोल रहा है ना, ठोको, मैं बात कह रहा हूँ कि अगर कोई हमला करेगा और पिस्तौल छीनने का काम करेगा पुलिस का, तो पुलिस क्या करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और उसमें किसी को कोई आपत्ति हो रही हो तो होती रहे, उसको उसमें क्या कहना है, बाबा की जय नीति चलती रहेगी। नहीं देखिए गलत तो गलत है, गलत शासन चलाने के लिए एक मजबूत शासक की आवश्यकता होती है, शासन। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जो दुनिया के मैं समझता हूँ कि 60-70 देशों से बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में जिसमें ऐसा माहौल रहा हो, अराजकता चरम सीमा पर रहा हो, रोज दंगे फसाद होते हों, रोज जातिवादी दंगे होते हों, उस प्रदेश को संभालना और चलाना सफलतापूर्वक 7 साल से लगातार उसको चलाना, ना केवल चलाना, उसको उत्तम प्रदेश पूरी पूरी बुलंदियों में लेके जाना, और पूरे देश से पूरी दुनिया से उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बने, यहाँ भी रोजगार का सृजन हो, यहाँ हाईवे बने, यहाँ बिजली की व्यवस्था ठीक से रहे, यहाँ कानून व्यवस्था ठीक से रहे, लोग आके यहाँ उद्योग लगाए ताकि रोजगार यहाँ के लोगों को मिले, सारा सिस्टम चलाने वाले मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इस तरह की बात कोई कहे कि साहब ये कर रहे हैं, एनकाउंटर करवा दिया, वो करवा दिया, बेमतलब की बात है। जो गलत करेगा कोई भी हो, जैसी बात जो सुनना चाहता है, जैसा व्यवहार जो चाहता है, ऐसा बाबा जी उस भाषा में सुनाना चाहते हैं। बाबा जी तो कहते तो है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, संगठित रहोगे तो बच जाओगे, बटोगे तो कट जाओगे। बाबा जी किस डर को दिखा रहे हैं हिंदू समाज के बात की? नहीं, ये तो कलयुग का, कलयुग में कहा गया है ना, संगे शक्ति युगे युगे। यदि कि जिसके पास संगठन है, संगठन की शक्ति है, वही मजबूत रहेगा, वही शक्तिशाली होगा, वही शासन करेगा। भाई देश में तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो लोग वोट गिनते हैं, सर गिनते हैं, कितने लोग आपके पक्ष में खड़े हैं। लेकिन बात कटने की हो रही है ना, कटोगे तो कटोगे, कटने नहीं। देखिए कबीर दास जी ने कहा है, भय बिन प्रीत नहीं गोसाई। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बहुत मशहूर है, भय बिन प्रीत नहीं गोसाई। बिना भय के भी प्रीत नहीं होती है कई बार, तो ये भय भी होना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, कानून जो हाथ में लेगा उसका इलाज निश्चित रूप से हो जाएगा। ऐसा भी एक संदेश देना शासन को, मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी होता है, और वो शासन द्वारा संदेश दिया गया है। कोई जाति बिरादरी धर्म, कोई भी उत्तर प्रदेश बाहर का रहने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश में यदि क्राइम करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, चाहे वो आप कुछ भी बोले, आप बोले एनकाउंटर हो गया, आप बोले बुलडोजर एक्शन हो गया। बुलडोजर एक्शन ऐसे थोड़ा होता है, गलत किया है तभी, कैसे होता है, गलत किया होगा तभी तो होता है। एक व्यक्ति गलत करता है पूरे परिवार का आशियाना ढा दिया जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए अच्छा सुनिए, उस व्यक्ति को हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था से चलती है ना सर। मैं कुछ और बोल रहा हूँ जी, बताए। उस व्यक्ति को पोषित करने वाला कौन होता है? जब वो क्राइम की तरफ चलता है, जब वो क्राइम की तरफ दौड़ता है, तो क्या परिवार का फर्ज नहीं बनता कि उसको रोके, उसको समझाए? पहला फर्ज है सर, परिवार के लोग, घर के लोग, पत्नी बच्चे सब इस बात को पूछेंगे कि ये बताइए आप ये पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो ये क्राइम की तरफ कोई आदमी आगे बढ़ेगा नहीं। तो और फिर अंत में मैं तो एक बात कहना, न्यायालय क्या काम करेंगे? नहीं, न्यायालय अपना काम कर रहा है, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है। आप बिना नक्शा पास कराए कहीं बिल्डिंग बना लेंगे, किसी की जमीन के ऊपर कोई कब्जा कर लेंगे, ये तो पहला काम तो प्रशासन का है ना, अपने काम कर रही है प्रशासन का है ना। आप न्यायालय में जा ही रहे हैं, न्यायालय में साबित हो जाएगा कौन गलत था कौन सही, सरकार सही थी या जिसका आशियाना ढाया गया वो सही था? अगर वो सही था तो पनिशमेंट सरकार को मिलेगी, सही होता तो ढाया जाता, सीधी सी बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1,11,11,000 ₹111 की घोषणा की है राज शेखावत का, निशेना से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि जय लेरेंस बिश्नोई को जो पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा, जो पार्टी इनकाउंटर करेगी, उसको इतनी बड़ी राशि जो है सम्मान सूचक दृष्टि से दी जाएगी। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली वाली बात आपने बोला कि मेरे को पता नहीं है कि जय सम्मान दिया गया अधिवक्ता को, लेकिन जो बयान अभी आया है कर्णी सेना की ओर से, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह के बयान? देखिए मैं तो इस तरह के बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस तरह के बयान एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिए जाते हैं। करनी सेना जैसा संगठन ऐसा नहीं है कि वो संगठन समाज के लिए काम नहीं करता, समाज के लिए बहुत काम करता है, तमाम तरह की चीज़ें जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है उठाता भी है। करनी सेना में भी कई सारे संगठन भिन्न भिन्न नाम से आज कार्यरत हैं, लेकिन मैं उन सब से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना व्यक्तिगत, आपका कोई मामला है तो आप कुछ भी घोषणा करें, आप जाने कानून जाने जो भी होगा होगा, लेकिन पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अगर कोई आप ऐसी घोषणा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस देश में कानून का राज है, आपको आपके पास यदि इतना धन है कि आप करोड़ों रुपया देने को तैयार हैं, तो इस देश में समाज के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं है, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनकी शादी के लिए उनके माँ बाप के पास
शादी का जो जरूरी सामान है वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो बीपीएल से नीचे क्षत्रिय समाज के परिवार की बात कर रहा हूं मैं, आप उनके लिए काम कीजिए, ये धन उनको दीजिए ना, देखोगे आपका नाम कितना बड़ा होगा, आपका सम्मान कितना बड़ा होगा। आप इस तरह की बातें करके क्या संदेश देना चाहते हैं भाई जी? मैं इस तरह के मैसेज और इस तरह की घोषणाओं से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल उस पक्ष में नहीं रखता हूँ, ये गलत है, सस्ती लोकप्रियता है और इस ये व्यक्तिगत, मैं समझता हूँ ये व्यक्तिगत बयान है, इसका बयान का समर्थन मैं तो नहीं कर सकता। सर, सामाजिक संगठन अगर इस तरह के कदम उठा रहे हैं, इस तरह के बयान वहाँ से निकल के आ रहे हैं, चाहे वो सस्ती लोकप्रियता रही हो या प्रोत्साहन देने का कार्य वो कर रहे हो कि देखो एक अपराधी प्रवृत्ति से अगर कोई पहले से टारगेट करके किसी को धमकी दे रहा है, उसको राशि की घोषणा की जा रही है और अब जागरूक हैं, समाज से जुड़ गए, क्या इसके खिलाफ आप आवाज बुलंद करेंगे? आपसे मतलब आपका समाज नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एक लॉरेंस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अपराधी है, जेल के अंदर बंद है, सभी जानते हैं, और देश में कानून अपना काम कर रहा है, सजा दे रखी है तभी जेल में बंद है। तो आप बीच में वही वाली बात है, क्यों अपने लेना देना कुछ है नहीं, बे मतलब कि बीच में ढोल बजाने, क्या ही मतलब है ये, तो वो वाली बात हो गई। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी, नहीं सरकार अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, आप काहे को इतनी टेंशन ले रहे हैं? समाज के सकारात्मक कार्यों में आप आगे बढ़े, उसमें घोषणाएं करें। आप घोषणा करें कि मैं गरीब बालिकाओं के लिए विद्यालय जो चल रहे हैं उसमें मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए देता हूं। देखिए आपको लोग कैसे हाथों में बिठाएंगे, आप स्वयं को इस तरह से करेंगे, अपने निजी हित के लिए करेंगे और पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हुए कि मैं पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये गलत बात है जी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 80 करोड़ से ज्यादा लोग राशन डिपो के राशन पे पल रहे हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं है, सम्मान देने की जिस घोषणा हो रही है, हर आदमी बढ़ाने वाले को देने का प्रयास करता है, वो आप कह भी रहे हैं कि ऐसे देश में जो जरूरतमंद है हम उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरे हमारे साथ में जो है साहब सिंह कुंडे जी, वरिष्ठ भाजपा नेता है और सिरे से नकार रहे हैं कि सस्ते लोकप्रियता से बचना चाहिए ऐसे संगठनों को। बात उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ले जाने की भी इन्होंने की है कि बाबा जी के राज में जो है उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ा है, चहुंमुखी विकास यहाँ पर हुआ है, विश्वास बढ़ाया। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साहब सिंह पुंडे जी। आपका भी धन्यवाद अनुजी।